For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Rizwan Gohar and I'm a graduate of Allama Iqbal Medical College and I completed my specialization in pediatrics in 2014. And I am serving as child specialist and neonatologist in this field from last 5 years. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं उसको सरकमसीजन कहते हैं. सरकमसीजन एक ऐसा अमल है जिसमें मर्दाना उज़्वे ख़ास के एक हिस्से की तरफ जहाँ पे उसका एक एंड होता है वहाँ पे एक फोर स्किन का फोल्ड होता है जो कि उसके एंड को कवर कर रहा होता है. उस फोर स्किन के रिमूवल के अमल को सरकमसीजन कहते हैं. ऐसा करना ज़रूरी इसलिए है कि उस फोर स्किन और उज़्वे ख़ास के एंड के दरमियान में एक पोटेंशियल स्पेस होती है और अगर उस स्पेस की हाइजीन मेंटेन ना रखी जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस जो हैं वो वहाँ से यूरिनरी ट्रैक में एंटर हो सकते हैं. सरकमसीजन का अमल 15 से 20 मिनट का एक प्रोसीजर होता है. ये अमूमन हम माइनर ओटी में करते हैं. इस अमल के दौरान उस जगह को सबसे पहले क्लीन किया जाता है और उसके बाद उस जगह को सुन किया जाता है. सुन करने का अमल क्रीम की मदद से भी हो सकता है या लोकल एनेस्थेटिक्स के ज़रिए भी कर सकते हैं. और उसके बाद बच्चे को कंफर्टेबल बनाने के बाद हम उस फोर स्किन को कैच करते हैं और उसको रिट्रैक्ट करके उसका एक हिस्सा काटते हैं और उसके बाद जो मर्दाना उज़्वे ख़ास है उसके हेड को सिक्योर किया जाता है. और उसके हेड को सिक्योर करने के बाद जो फोर स्किन जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको हम ग्रेजुअली काट देते हैं. इस तरह से सरकमसीजन का अमल 10 से 15 मिनट में तकरीबन मुकम्मल हो जाता है. सरकमसीजन एक ऐसा अमल है कि अगर ये एक एक्सपर्ट और प्रोफेशनल हैंड के ज़रिए करवाया जाए और एसेप्टिक टेक्निक्स हों यानी इन्फेक्शन फ्री तो इसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा है. और बाज़ लोग हमारे पास आते हैं कि उनकी क्वेरीज होती हैं कि इसके बाद ब्लीडिंग का अमल बहुत ज़्यादा हो सकता है. इतने छोटे से बच्चे में एक्सटेंसिव ब्लीडिंग बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है या फिर उसके बाद वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है उस साइड पर. लेकिन मैं आज इस बात को इंश्योर करना चाहूँगा कि अगर एक एक्सपर्ट्स हैंड और एक प्रोफेशनल हैंड इस अमल को करें इस प्रोसीजर को कैरी करें तो इन्फेक्शन के चांसेस भी ना होने के बराबर हैं. और अब लेटेस्ट टेक्निक्स ऐसी आ चुकी हैं कि उनके ज़रिए वहाँ पर ब्लीडिंग होने के चांसेस भी बहुत मिनिमल होते हैं बल्कि हम ये कह सकते हैं ना होने के बराबर होते हैं. सरकमसीजन के फ़ायदे के मुतल्लिक बात करें तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक जिन बच्चों में सरकमसीजन की जाती है उनमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब की नाली गुर्दे और मसाने के इन्फेक्शन के चांसेस 10 से 15 फ़ीसद कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन जिनमें सरकमसीजन नहीं की जाती. ये इसका एक बहुत अहम फ़ायदा है. दूसरा फ़ायदा ये है कि जब एडोलिसेंट एज आती है तो सरकमसाइज जो बच्चे होते हैं उनमें पिनाइल कैंसर यानी मेल उज़्वे ख़ास के कैंसर के होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं. तीसरा फ़ायदा इसका यह है कि सरकमसाइज जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. सक्सेस रेट ऑफ सरकमसीजन इज़ जनरली वेरी गुड एंड इट इज़ जनरली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन. ये डिपेंड करता है हम किस तरीके से सरकमसीजन करते हैं. आजकल जो कॉमन तरीका यूज़ हो रहा है वो यूज़ ऑफ प्लास्टिक बेल है. प्लास्टिक बेल के ज़रिए ब्लीडिंग के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर है और एसेप्टिक टेक्निक्स के ज़रिए इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बिल्कुल कम होते हैं. और जनरली हम एट द एंड ऑफ प्रोसीजर्स को एंटीबायोटिक्स भी नहीं देते. सिर्फ पेन के लिए बच्चे को 1 से 2 दिन पैरासीटामोल का सिरप देते हैं. उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. सो ओवरऑल सक्सेस रेट इज़ एक्सेलेंट. अगर आप अपने बच्चे की सरकमसीजन करवाना चाहते हैं तो आप मरहम के ज़रिए अपने डॉक्टर की सिलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं दे आर ऑल वेरी प्रोफेशनल्स एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट इन देयर डोमेन्स.